अगर तुम्हारे पास बढ़िया फोटोग्राफी स्किल्स है तो फिर तुम्हें पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। आई मीन मोर देन एनफ पैसा आ जाएगा जिससे तुम्हारा हाथ खर्चा आराम से चल जाएगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी। क्योंकि ये वीडियो है टॉप 5 ऐसे जेन्युइन वेबसाइट्स के बारे में जिसमें फोटो सेल किया जा सकता है। एंड आई नो इस वीडियो का काफी देर से इंतजार था तुम। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर देना, ठीक है? अच्छा लगता है, अप्रिशिएशन मिलता है थोड़ा सा। सो नंबर 1 है खुद का वेबसाइट क्रिएट करना। हाँ, तुमने सही सुना। अगर थोड़ा बहुत मार्केटिंग करवा सकते हो या फिर तुम खुद कर सकते हो तो फिर खुद के वेबसाइट जैसे बढ़िया ऑप्शन कोई दूसरा हो नहीं सकता। I mean, खुद के वेबसाइट पे तुम अपने हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, प्राइसिंग भी अपने हिसाब से रख सकते हो। और हाँ, थोड़ा सा जांच पड़ताल करके उसके बाद प्राइसिंग रखना, अदरवाइज कोई खरीदेगा नहीं। और मान लो कि वेबसाइट में कुछ एड्स वगैरह तुमने लगा दिया गूगल एडसेंस, तो फिर एड्स का रेवेन्यू हो गया। मान लो कि कुछ पिक्चर्स बिक भी गए तो फिर दोनों का रेवेन्यू तुम्हारे पास ही रहे। प्लस एक और भी चीज है, कोई भी वेबसाइट पे अगर तुम अपने फोटोज को सेल करते हो तो फिर उसको रॉयल्टी फी देना पड़ता है। दैट मींस सीधा वो लोग तुमसे पैसा लेते हैं। तो सभी तरह से एक पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करके फोटोज को सेल करना एक बेस्ट ऑप्शन है। और आजकल तो वेबसाइट्स ऐसे ही बन जाते हैं, AI है। बस डोमेन और होस्टिंग का पैसा देना पड़ेगा, बाकी तुम अपने हिसाब से डिजाइन करो। बट बिफोर यू क्रिएट योर ओन वेबसाइट तुम्हें एक चीज जानना जरूरी है कि क्यों ज्यादातर लोग खुद का वेबसाइट क्रिएट करना प्रेफर नहीं करते। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम कोई भी जाने माने वेबसाइट पर अपने फोटोज को सेल करते हो तो फिर उधर ऑलरेडी काफी ज्यादा लोग रहते हैं। दैट मींस तुम्हारा मार्केट प्लेस बड़ा हो जाता है एंड यू गेट बेटर ऑडियंस, और एज अ रिजल्ट तुम ज्यादा फोटो सेल कर सकते हो। और अगर इनिशियली तुम अपने फोटोज को सेल कर रहे हो तो फ्रॉड होने का चांसेस भी रहता है। बट अगर तुम ऐसे कोई वेबसाइट की मदद से सेलिंग करते हो जो बहुत ही पुराना है और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी है तो फिर तुम्हारे साथ फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। एंड लास्टली तुम्हें एक अच्छा खासा प्राइसिंग भी मिल जाता है। बट फिर से बता दूं कि अगर तुम सही से अपना मार्केटिंग कर सकते हो तो फिर खुद का वेबसाइट ही बेस्ट है। नंबर 2, Adobe Stock। अब तुम फोटोग्राफी करते हो या फिर थोड़ा बहुत कॉन्टेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रखते हो तो Adobe के बारे में नहीं सुना, ऐसा हो नहीं सकता। हम पता नहीं कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं Adobe के, फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, एंड ये सब बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। तो ये वेबसाइट भी Adobe का ही है, इस पर तुम आराम से अपने फोटोज को सेल भी कर पाओगे। तो कैसे करते हैं मैं बता दूंगा, बट इससे पहले मैं बता दूं कि मैं ना जितनी भी वेबसाइट्स को रिव्यू करूंगा उन सभी का लिंक्स डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है? चेकआउट कर ले और उससे तुम डायरेक्टली वो सेलिंग वाले ऑप्शन पे भी चले जाओ, ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो चलते हैं Adobe Stock में। सो पहले तो तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा इधर। सो लॉग इन करने के बाद यहाँ पे सेल सेक्शन पे तुम्हें टैप करना है। सो टैप करते ही ना तुम्हारे सामने ऐसा एक ऑप्शन शो करेगा, लाइक ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड माई फर्स्ट एसेट पे टैप करना है। टैप करते ही जितने भी तुम्हारे फाइल्स है वो यहाँ पे डाल दो, बस हो गया, इतना सिंपल। और यहाँ पे कुछ उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, साइज कितना होना चाहिए, सब कुछ है यहाँ पे। सो उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो आराम से। सो आराम से तुम जाके यहाँ पे प्राइसिंग भी सेट कर पाओगे, सब कुछ कर लो, उसके बाद हाँ पैसा छाप। वेल नेक्स्ट वेबसाइट है Shutterstock। नाम तो सुना होगा, लिटरली ये एक ऐसा वेबसाइट है, लाइक इतने अच्छे खासे फोटोज एंड वीडियोस होते हैं ना, ऐसा मन करता है कि ले लो यहाँ से। बट मतलब प्राइसिंग बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली। बट हाँ, तुम Shutterstock में एक कंट्रीब्यूटर हो सकते हो सीरियसली। और जिन लोगों को Shutterstock के बारे में पता नहीं है मैं बता दूं, ये वेबसाइट वर्ल्ड वाइड सभी प्रेफर करते हैं, आई मीन स्टॉक फुटेजेस के लिए। और जितने भी क्रिएटर्स उनका प्रेफरेंस Shutterstock एक ना एक बार तो रहा ही होगा। तो तुम अभी ये समझ सकते हो कि इधर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कितना ज्यादा, और फोटो सेलिंग भी काफी इजी स्टेप्स में हो जाए। मैं दिखाता हूँ, रुको। सो यहाँ पे तुम पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लो जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा। जाने के बाद यहाँ पे Shutterstock कंट्रीब्यूटर पे टैप करो, उसके बाद यहाँ पे तुमको ना लॉग इन करना, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड योर फोटोज एंड दैट्स इट। प्राइसिंग सोच समझ के डाली हो, ठीक है? सही प्लेटफॉर्म। उसके बाद नंबर 4 में जो वेबसाइट है उसका नाम है अलार्म। इस वेबसाइट में भी काफी बढ़िया ऑडियंस है और इधर भी तुम अपने फोटोज को सेल कर सकते हो। सो बस क्या करना है, वेबसाइट में जाओ, ऑब्वियसली नीचे दिया हुआ है, उसके बाद हाउ टू सेल माय फोटोज पे जाना है एंड लॉग इन करना है और बिकम अ कंट्रीब्यूटर बनना है। और हाँ, यहाँ पे वो अपलोड वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर लो एंड फोटोज को पोस्ट कर दो बस। देखो प्लेटफॉर्म्स रेडी है बट हमें वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके काम करते जाना है बस। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पिक्चर पोस्ट कर दिया उसके बाद साथ ही साथ खरीद लेंगे लोग, हो जाता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। बट हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल फाइनली नंबर 5 में जो वेबसाइट है उसका नाम है Etsy। ये एक मल्टीपर्पज शॉप, मतलब तुम डिफरेंट चीजों को सेल कर पाओगे। हाँ, इस वेबसाइट में डिफरेंट चीजें लाइक डिफरेंट सर्विस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, बट हम फोटोज के बारे में बात कर रहे हैं। सो हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे लोग वो फोटोज को भी सेल कर पाएंगे इस Etsy वेबसाइट। सो फोटोज को सेल करने के लिए तुम्हें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और
मैं वही बताऊंगा कि कैसे करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटसी में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे अपना जो शॉप है उसको क्रिएट करना है। सो पहले तो तुम्हें एटसी में जाके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कुछ बेच रहे हैं। सो यहाँ पे अपने अकाउंट सेक्शन पे जाने के बाद सेल ऑन एटसी करके एक ऑप्शन है, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे दबा दो, उसके बाद यस लेट्स डू दिस। और हाँ, आपको मतलब क्या बेचना है वो सब कुछ आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, या फिर स्किप दिस क्वेश्चन पे टैप करके आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेकिंग फोटोज आइटम्स, ऐसा करके एक ऑप्शन है, इसको भी आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इसको भी स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी। स्टार्ट योर शॉप या एज सिंपल एज दैट। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स को फिल करना है, लाइक करेंसी वगैरह या फिर कुछ भी हो गया, बहुत कुछ है। आफ्टर दैट अपना जो फोटोज है उनको डाल दो, बस काम खत्म, आराम से आपका शॉप चलने लगेगा। इस लिंक को आप शेयर भी कर सकते हो किसी को भी, अपना जो शॉप का लिंक है, तो वहां पे जाके लोग परचेस वगैरह करेंगे या फिर इट्स में बहुत सारे लोग परचेस करेंगे। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कितना ज्यादा सिंपल है लाइक आजकल अपने खींचे हुए फोटोज को सेल करना। और हाँ, आर्ट का ना कोई प्राइसिंग लिमिट नहीं होता, कभी कभार इनिशियली खुद से मतलब प्राइसिंग थोड़ा कम करके सेट करना पड़ेगा, जब आपका डिमांड बढ़ेगा तब उसका प्राइसिंग आप बढ़ा सकते हो। बाकी आप जितने भी फोटोग्राफर्स है उनके वीडियोस को देख सकते हो या फिर जो पॉडकास्ट है उनको देख के आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि इनिशियल स्टेज में कितना प्राइसिंग रखना है कितना नहीं, सब कुछ आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पॉडकास्ट से एक्चुअली बहुत कुछ पता लग जाता है। सो यही था टॉप 5 बेस्ट फोटो सेलिंग वेबसाइट्स का एक वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ, वेबसाइट खुद का हो तो ही अच्छा है, बट इनिशियल स्टेज में तुम एक काम करो, मतलब जितने भी मैंने दूसरे वेबसाइट बताया उन पे काम करके देखो कैसा लग रहा है, एक रफ हिसाब लेके बैठना कि अगर दूसरे के वेबसाइट में मेरा इतना सेल हो रहा है तो फिर अगर मैं खुद का स्टार्ट करूंगा तो फिर कितना फायदा होगा, है ना, पूरा तुम्हारे ऊपर है। बट बिजनेस माइंड स्टार्ट करने से पहले अपना क्रिएटिविटी को जितना हो सके एकदम नेक्स्ट लेवल तक पुश करो, ताकि कोई कुछ बार्गेन ही ना करे, प्राइसिंग कुछ ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, आर्ट का कोई लिमिट है। और हाँ, मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सो अपने दोस्तों के साथ एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उनका हेल्प हो जाए। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो स्वागत है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, सो गुड बाय।